बजट 2023 सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। सदन में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहे और बीजेपी के सांसदों ने इस बजट की जमकर तारीफ की। इनकम टैक्स स्लैब को लेकर जोरदार चर्चा भी हुई, लेकिन इन सभी खबरों के इतर इस बजट पर विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया से भी ज्यादा चर्चा। ऑल इंडिया रेडियो के आकाशवाणी चैनल से बजट को लेकर मजाकिया प्रतिक्रिया की हुई, जहां विपक्षी नेता बजट की तमाम कमियां गिनाते हुए इसे मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए निलबटा सन्नाटा बता रहे थे। वहीं आकाशवाणी के इस सरकारी चैनल ने एक ट्वीट करते हुए कहा, यह बजट पूर्णतया चुनावी है, जनता के लिए गरीबों के लिए इसमें कुछ नहीं। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब सरकारी रेडियो मीडिया संस्थान से इतनी चौंकाने वाली प्रतिक्रिया देखकर सब हैरान रह गए। कुछ लोगों ने तो इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि अब तो आकाशवाणी भी हो गई है, हमें मान लेना चाहिए कि मोदी सरकार का बजट 2023 उनके दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट होने के साथ ही पूर्णतया चुनावी है। मोदी ने अपने चुनावी फायदा देखते हुए इस बजट को तैयार किया है। मध्यम वर्ग, गरीब, दबे कुचलों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। आकाशवाणी के संदेश को आधार बनाते हुए तमाम विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार के बजट 2023 को अपने निशाने पर लिया है। आपको बता दें, बीबीसी न्यूज हिंदी में ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लोगों से इस वित्तीय बजट पर उनकी राय पूछी गई थी। ट्वीट में लिखा था, अगले साल होने वाले आम चुनाव से ठीक पहले या मौजूदा सरकार का आखिरी पूर्ण बजट था, आपको ये बजट कैसा लगा कमेंट में बताएं। साथ ही साथ अगले सवाल में पूछा गया था, इस बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप 10 में से कितना नंबर देने वाले हैं। इस ट्वीट के जवाब में सरकारी रेडियो चैनल आकाशवाणी समाचार ने वित्त मंत्री को 10 में से 0 नंबर देते हुए कहा, यह बजट पूर्णतया चुनावी है। अब दोस्तों, अगर आप आकाशवाणी के जवाब को समझे तो विपक्षी नेताओं और सरकार के आलोचकों से मिलता जुलता जवाब आकाशवाणी ने देकर अपने लिए मुसीबत जरूर मोल ले ली है। हालांकि बाद में इस सभी ट्वीट को आकाशवाणी समाचार ने डिलीट कर दिए, लेकिन तब तक लोग इसका स्क्रीनशॉट रख चुके थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने आकाशवाणी समाचार के जवाब पर चुटकी लेते हुए कहा है, अब तो आकाशवाणी भी हो गई है, यह बजट चुनावी है। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने कहा, अब आकाशवाणी समाचार का ट्विटर हैंडल चलाने वाला भी तो सरकारी कर्मचारी ही है। सच्चाई कह गया, बस गलती इतनी हुई कि सरकारी ट्विटर पर बोल गया, अब बेचारे की नौकरी जाएगी। पैरोडी यूजर ने लिखा, आकाशवाणी चलाने वाला तो नोटिस काल में जी रहा है।